निश्चित समाकलन का क्वेश्चन नहीं सीखोगे तो समस्या में कहीं ना कहीं पड़ जाओगे। तो समस्या से बचने के लिए निश्चित समाकलन को सीखिए, और ज़्यादातर प्रगुण चार सारे प्रगुणों में से हीरो बनता है। हीरो बनने का मतलब क्या, ज़्यादा जगहों पर वही दिखाई देगा, ज़्यादा जगहों पर इसी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे एक फिल्म में हीरो हर जगह दिखता है ना, ऐसे ही प्रगुण छह प्रगुण हैं तो छह प्रगुणों में प्रगुण चार ज़्यादा जगहों पर दिखेगा, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रगुण चार है। आप इस सवाल को हल करने जा रहे हो, सबसे पहले मान लो इसको आई के बराबर मान लिया ना। अब इसमें हम लगाएंगे प्रगुण चार, क्या लगाएंगे प्रगुण चार से। जब प्रगुण चार लगाते हैं तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखो आई के बराबर लिखेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे, करड़ी बनाएंगे, साइन लिखेंगे, एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्रगुण चार का यही रूल होता है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सूत्र समझ में आ रहा है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। संबंध नंबर दो मान लो और इसको एक मान लो। संबंध एक और दो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। संबंध एक प्लस दो से, अरे बायां में बायां जोड़ेंगे, आई में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू आई, और दायां में दायां जोड़ेंगे तो देखो ये वाला सिंबल दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसका हर एक ही है, ध्यान से देखो, आगे पीछे भले है लेकिन एक ही है। तो जब हर बराबर है तो लघुत्तम लेंगे तो वही होगा ना, एक ही चीज, बोलिए। अब अंश में अंश जोड़ देते हैं, तो पहले हम ये वाला अंश लिख देते हैं, फिर बाद में ये वाला अंश लिख देते हैं। समझो मेरे लाल, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में आ जाएगा तो वाह वाह करोगे, मुझे याद करोगे। ठीक है, अब देखो, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, बचेगा बाएं पक्ष में टू आई, दाएं पक्ष में अपर लिमिट लोअर लिमिट वन डी एक्स। ठीक है, वन कहाँ से आया, ये और ये दोनों कट गया तो वन आ गया। ठीक, वन का समाकलन आपको आता है कि नहीं आता है, एक्स होता है, अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो, टू आई इक्वल टू, अब इससे इसको यहाँ रखोगे, पाई बाई टू यहाँ रखोगे तो पाई बाई टू हो गया, माइनस इसको यहाँ रखेंगे जीरो हो गया। ठीक है, तो टू आई इक्वल टू पाई बाई टू, दो को इधर कर दो तो पाई बाई फोर हो गया, यही आपका उत्तर है। समझे मेरे भाई, कितना आसान रहा, बहुत आसान रहा, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। आप करो एक बार, इसको ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा इसको हल करने में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना।